हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आपके लिए लेकर आ गए हूँ एक और नया ब्लॉग। तो सुबह के 9:15 बज चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं मूवी देखने, मैं, नमन और विशाल भैया। तो मूवी का प्लान था कल का, तो कल थी नौमी, इस वजह से कल हम जा नहीं पाए, सब बिजी थे। तो नमन ने जो है 9 बजे मेरे को कॉल करी कि भाई सुबह का शो चलना है या शाम का। तो मैंने कहा भाई जब सुबह का प्लान है तो सुबह ही चलना है, शाम की कोई दिक्कत नहीं पालनी है, क्योंकि शाम को हमें कुछ और काम है। तो विशाल भैया आ रहे हैं और विशाल भैया मिलेंगे हमें MIT गेस्ट हाउस पर। देख रहे हो दोस्तों, खुद बोल के खुद रेडी नहीं है ये, और मूवी का टाइम हो चुका है और ये कर रहे हैं यहाँ पर ब्रश, हो गया हमेशा का यही रहता है इसका लेट। तो दोस्तों भैया भी आ चुके हैं, लगभग 5 मिनट लगा दिए आने में यहाँ पर। तो 5 मिनट पहले कॉल करा दीजिए गेस्ट हाउस पर आ जाओ, तो हम गेस्ट हाउस पर आ गए हैं और भैया भी आ ही गए हैं जस्ट, और शायद कोई और भी आ रहा है तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गए। भैया कैसे लेट हो गए? भाई ने लेट कराया है। सो अच्छा, इन्होंने सब सब यही रही हो, हमेशा का यही रहता है, किसी ना किसी का सो रहा था। सो अभी ये भी सो रहे थे, वहां सो रहे थे, दोनों मोटे मोटे लोग सो रहे थे। 9 बजे उठे ये, अरे यार हम सोए लेट थे भाई, क्या करते। तो दोस्तों ये हो रहे हैं टिकट चेक, जो हमारा शो निकल चुका है, तो अब जा रहे हैं मूवी टाइम है 11 बजे का, और यहाँ पे यहाँ है 12:55 का, 2D चल रहा है, वहीं चल रहा है। तो दोस्तों डिसीजन हो गया कि मिगलानी जाना है, जो मूवी यहाँ निकल गई है वहाँ कम से कम मिल जाएगी। मैंने जूते पहन के ब्रश करा है भाई, रास्ते में आता शर्ट पहनी है, जूते खाए नहीं, मैं तो काम तो तेरे ऐसे वाले कर देते हो दोनों के दोनों। मेरा फोन करा पता है, मगर मुझे क्या पता था इसने, इसका फोन आया सुबह क्या प्रोग्राम है, मैंने कहा 9:30 का है, तो बोलता है अच्छा ठीक है, और उसका तो मैंने फोन करता हाँ हेलो क्या चल रहा ना, अच्छा रुक तैयार हो रहा हूँ, वो भी 17 रुपए का 24 का फोन करा तो भाई 30 पे तो निकल कर आ रहा कर सकता है। सारे साइड पे मोहल्ले पे नहीं गुजरते हुए घर वाले कह रहे बेटे क्या फिल्म कहाँ जा रहा है, मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ, पहले से याद नहीं। गाड़ी के पीछे तेज लगा रहे भाई, कौन से वो लेके वो बिग फैन वाला वो। सीधे ले लो, सीधे सीधे कार इधर ही लगेगी यार, VIP आदमी उतर रहा है यार, बात हो रही है का मजा फायदा कैसा ले आने का मेरा। चल भाई उधर कूद, चीजें चलती में से कूद जाऊं मैं, कूद जा चलती हुई मैं, ऐसी उदिन तो नहीं था पर इरादा अच्छा है। ऐसी उदिन क्रेटा पार कर रहे थे उतर के करवा दे, मैंने कहा साले ये ट्रक है क्या, इसमें सिर्फ कैमरा लगा था हुआ। हाँ तो नहीं है मत ना, अरे ये स्पाइडरमैन का खिलौना ना है ये, बेचारा थक गया होगा बैठे बैठे। हाँ कौन सी है, ऑडी ऑडी 2 तुम बैठ सकते हो, कोई तुम्हें टोकेगा नहीं, पर देते वो अल्टरनेट ही है, देखो देते वो क्या दे दिए तुम अल्टरनेट। स्कूल ले चलने कुछ राइडर वाली इतना आग वाल लगा दी। हमारी गाड़ी में सस्पेंस नहीं है, चल गड्डिया रोक ली फिर सिनेमेटिक ले लंगा रख के। अरे तेरी है चाचा, भैया का आवाज, भैया बैठना है क्या, बैठना था क्या इस पे वो। तो दोस्तों मूवी जो है बहुत ही अच्छी थी, बहुत बढ़िया लगी, और जब हम देखने गए तो 9:30 बजे का शो था,
और हम घर से निकले थे 9:35 पर, तो वेव का शो था, तो वेव का शो कैंसिल करके हम गए मूवी टाइम्स, वहाँ जो है 10 बजे का शो था। अगर हम वेव जाते तो लगभग 10 से 15 मिनट की छूट जाती, तो इस वजह से हम वेव नहीं गए। मूवी टाइम्स में 10 बजे का था, तो इस वजह से वहाँ गए और वहाँ जो है टाइम से पहुँच गए थे और पूरी मूवी हमें मिल गई पूरी देखने के लिए। और प्लान बस इसी वजह से चेंज करना पड़ गया और अभी आ चुका हूँ घर पर, लगभग 12 बज चुके हैं। तो ये था कि 11:30 बजे तक आ जाऊंगा और अभी जो है मावा भी बनाना है, मम्मी ने कहा था कि मावा बना दियो, तो अभी जो है मावा बनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों अभी जा रहा हूँ मैं दूसरे चैनल के लिए वीडियो बनाने, एक कार मिली है मेरे को, उसकी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके सब्सक्राइब कीजिए, वहीं आपको वीडियो मिलेगी। यहाँ मैं आपको कुछ भी क्लू नहीं दे रहा हूँ कि किस कार की बनाने जा रहा हूँ। उधर को आना पड़ेगा, अरे खुली हुई तो है ना, कहाँ चलना है? अच्छा गोल्डन गेट पे। तो सूट कंप्लीट हो चुका है जिसके लिए विनीत भाई आए थे। अब विनीत भाई कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे, तो मैंने सोचा ब्लॉग को कंटिन्यू मैं करता हूँ। तो अभी ये सूट निपटने के बाद अब हम विनीत भाई को घर छोड़ते हैं और विनीत भाई कुछ जो एडिट वगैरह है आपके लिए तैयार करेंगे और आपको इसके बिहाइंड द सीन और वीडियो जल्द ही विनीत भाई के चैनल पर मिल जाएगी। तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए तो आगे का बिहाइंड द सीन नहीं बने हैं, भैया से धोखा हो गया है, बिहाइंड द सीन कोई नहीं बना है। आपने मेरा फोन लेकर सूट तो किया था? कुछ नहीं किया, सॉरी दोस्तों, बिहाइंड द सीन मुझे नहीं पता था, इन्होंने मेरा फोन लिया और मुझे नहीं पता इन्होंने बनाए नहीं बनाए, लेकिन चलिए वेट करो। तो चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके सब्सक्राइब के लिए जब वीडियो आएगी तब आपको मिल जाएगी, मिल जाएगी। तो थोड़ा सपोर्ट दिखाइए और आगे का ब्लॉग जो है विनीत भाई खुद कंटिन्यू करेंगे। मुलाकात होती है आपसे फिर किसी दिन अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हमारी तरफ से बाय और विनीत भाई की तरफ से कंटिन्यू रहेगा ब्लॉग। हाँ देख ले, देख ले आराम से, देख रहा हूँ मैं तो, पता देख नहीं कौन आया है। स्कूटी खड़ी करनी है तेरे यहाँ? अच्छा, तो रावण देखने चलने चल। अब तो लग गई यार। कहाँ लग गई? तो आवाज कहाँ से आ रही है? पटाखे वो हम फोड़ के आ रहे हैं, वो हम फोड़ के आ रहे हैं ऐसे ही। चल रहा है, चल रहा चल चल, अभी भी आ रहा है। अभी कहाँ आ रहा है? आ रहा है, इसकी बात हुई है। वो तो कह रहा था पैर में उसके दर्द हो रहा है, अभी उससे बात हुई थी। वो लोग आई है ना सबसे बड़ी वाली, कॉल कर आ जाएगा। नहीं मना कर रहा था, मेरी बात हुई थी कि मैं नहीं आऊंगा। चलो रावण का पैर फिक्स करो पहले, चलूंगा।